ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل زلاله في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقران المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب ايذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا

जिसके हाथ में पूरी दुनिया की बादशाहत है और जो अपने अर्श पर होते हुए पूरी कायनात का निज़ाम चला रहा है बादहु उसके तमाम नबियों और रसूलों पर दरूद और सलाम नाजिल हों खूस आखिरी नबी हज़रत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहतरम हाज़रीन वो काम जो लानत का सबब बनते हैं यानी जिन कामों के करने से इंसान मल हो जाता है अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाता है इस वान पर इससे पहले एक खुतबाफ़रात के सामने पेश किया जा चुका है जिसमें सात बातों पर गुफ्तु हुई थी कि सात काम ऐसे हैं कि अगर वो काम कोई करता है तो वो मल हो जाता यानी रब की रहमत से महरूम हो जाता है अल्लाह हमारे हमें ऐसे कामों से महफूज रखे आठवां काम जिसकी वजह से इंसान रब की रहमत से महरूम हो जाता है हो जाता है वो है शराब पीना शराब एक ऐसी बुराई है इतना बड़ा गुनाह है कि शराब की वजह से दस आदमी मतून होते हैं बहुत सारे लोग समझते हैं कि शराब पीना कोई बुराई नहीं है अल्लाह के नबी वसल्लम ने हदीस में ज़िक्र किया है कि शराब की वजह से दस आदमी मतून होते हैं कितना बड़ा गुनाह है आप सोच सकते हैं अल्लाह के नबी खमर अल्लाह की लानत है शराब पर यानी जिनसे शराब जो शराब है उस पर अल्लाह की लानत है व शा शराब जो पीता है उसके ऊपर भी अल्लाह की लानत है व और जो शराब पिलाता है साकी है उसके ऊपर भी अल्लाह की लानत है वह बाहा और जो शराब बेचता है यानी कारोबार करता है उसके ऊपर भी अल्लाह की लानत है व और जिसके लिए शराब बेची जाती है उसके ऊपर भी अल्लाह की लानत है व आसी रहाँ और जो शराब को निचोड़ता है तैयार करता है उसके ऊपर भी अल्लाह की लानत है वो मुतासी राँ और जिसके लिए शराब तैयार की जाती है निचोड़ा जाता है उसके ऊपर भी अल्लाह की लानत है वहा मिल हाँ और उसका ट्रांसपोर्ट करने वाले उसको पहुंचाने वाले उनके ऊपर भी अल्लाह की लानत है वलमहमूलता ही जिस तक पहुंचाया जाता है उसके ऊपर भी अल्लाह की लानत है और इसी तरीके से मुस्नत की एक रवायत में फरमाया वह आकला सामान और शराब की कीमत खाने वाले पर उस पर भी अल्लाह की लानत इस हदीस में अल्लाह के नबी वसल्लम ने दस आदमियों का तस्करा किया कि शराब की वजह से दस आदमी मलून हो जाते हैं लेकिन आज हम देख रहे हैं जगह जगह शराब की दुकानें कुल नहीं हैं और मुसलमानों का एक बड़ा तबका शराब का रसिया होता जा रहा शराब पीना ये कोई आए नहीं समझता है बल्कि शराब का नाम बदल बदल कर लोग शराब पीते हैं तो अगर हमारी मजलिस में कोई शख्स ऐसा बैठा है जो शराब पीता है तो उसको आज तोबा कर लेनी चाहिए या इसी तरीके से ये दस आदमी जिनका तस्करा किया उसमें से कोई भी अमल अगर आपके जरिए से होता है तो उससे भी तोबा कर लेनी चाहिए शराब का ट्रांसपोर्ट करना शराब की तिजारत करना शराब की कीमत खाना ये तमाम चीज़ें शराब के लिए अड्डे फराहम करना शराब की दुकानों के लिए शराब बेचने के लिए दुकान फराहम करना अपने अपना घर अपनी दुकान किराए पर देना ये तमाम चीज़ें उसमें शामिल हैं तो शराब की वजह से दस आदमी मल होते हैं तो आठवां काम शराब पीना शराब नोशी करना इसी तरीके से नौवां काम है रिश्वत लेना और देना आज जिस दौर में हम गुजर रहे हैं ये रिश्वत का दौर है आपको कोई काम करवाना है आप पैसे दे दीजिए आपका काम हो जाएगा बड़े बड़े लोग जिनको कामों के लिए मुतन किया गया है जो ऑफिसर्स हैं वो काम करने के लिए रिश्वत मांगते हैं तो रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों हराम है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुरैरा रजी अल्लाह हदीस के राबी मुर्तशी अल्लाह की लानत है रिश्वत लेने वाले पर भी रिश्वत देने वाले पर भी फिलह फ फैसला करने के लिए आप गलती पर हैं आप मुजरिम हैं आपने जज को आपने वकील को रिश्वत दे करके फ़ैसला अपने हक़ में करा लिया फैसले में रिश्वत लेना देना ये आराम है मलून है ऐसा शख्स या इसी तरीके से एक ऑफिसर जो जिसकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो इंसाफ के साथ फ़ैसला करे वो पैसे ले करके ग़लत फ़ैसला कर देता है फैसले के लिए रिश्वत लेना अपने हक में फैसला करवाने के लिए रिश्वत देना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की लानत है रिश्वत लेने वाले पर रिश्वत देने वाले पर फिलहु में फैसले के मामले में मुस्नद अहमद की हदीस है इसी तरह अबू दाऊद की एक हदीस है जिसमें अल्लाह के नबी वसल्लम ने आम लोग जो रिश्वत लेते देते हैं उनको भी आपने मल करार दिया लाना रसूल सल्लल्लाहु वसलम वसल्लम राशी वलमतशी अल्लाह के नबी ने लानत भेजी है उस शख्स पर जो अपना काम करने के लिए अपना काम करवाने के लिए रिश्वत लेता है रिश्वत देता तो रिश्वत से आदमी को परहेज करना चाहिए रिश्वत लेने वाले रिश्वत देने वाले या अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाते इसीलिए आप देखेंगे कि कारोबार बहुत अच्छा चलता है बजाहिर पैसे बहुत होते हैं लेकिन इंसान को सुकून नहीं मिलता क्यों बरकत खत्म हो गई इसी तरीके से सूदी लेन देन करना सूदी कारोबार करना अहले किताब ने जब महसूस किया कि मुसलमानों को हम जेर नहीं कर सकते हैं मुसलमानों पर हम गालिब नहीं आ सकते हैं तो उन्होंने मुसलमानों के कल्चर को बर्बाद किया उनकी तिजारत को बर्बाद किया उनके दिलो दिमाग के अंदर मीशत की मोहब्बत डाली और उसने रिश्वत का सूद का कारोबार शुरू किया लिहाजा आप देखेंगे बड़े बड़े ममालिक, जो इस्लामी ममालिक हैं बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सूद से महफूज हूँ बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने आप को सूद से बचा सकें किसी ना किसी के रास्ते से सूद हमारे तक पहुंच रहा है और मुसलमान कभी जानबूझ करके कभी अनजाने में सूदी कारोबार में मुलविस हो जाते हैं तो सूदी कारोबार करना सूदी लेन देन करना ये ये सूद की वजह से भी कई लोग मलाउन हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत जाबिर की रवायत है ला ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है आकिल रिबा सूद खाने वाले पर इसी तरह से वो अम्मी सूद खिलाने वाले पर दो पर इसी तरह वो कातिबा उसको लिखने वाले पर वह शाह ही और उसके दोनों गवाहों पर पांच वकाल सवा और आपने फरमाया कि सब बराबर हैं कोई सूद खाता है तो भी मुजरिम है सूद देता है खिलाता है तो भी मुजरिम है अगर वो सूदी ए, कारोबार या सूदी निजाम की जगह पर नौकरी करता इसीलिए कहा जाता है कि बैंक में नौकरी नहीं करना इसलिए कि बैंक का जो अमला होता है उनकी तनख्वाहें सूद से ही दी जाती हैं। काती ही, का उसके लिखने वाले पर उनके ऊपर भी सूद का गुनाह मिलता है मलून है वो शख व शाह ही और विटनेस जो देते हैं आपको लोन लेना लेना है कैसा लोन लेना है घर का लोन लेना है गोल्ड का लोन लेना है तालीम का एजुकेशन लोन कितने अच्छे अच्छे नाम रखे हैं होम लोन गोल्ड लोन व्हीकल लोन एजुकेशन लोन हमारे लोग बहुत चले जाते हैं लोन लेने के लिए अब लोन लेने वाला तो गुनहगार है ही उसके लिए विटनेस की ज़रूरत पड़ती है गवाही की ज़रूरत पड़ती है अब वो अपनी दोस्ती का फायदा उठाता है आपके पास आता है और कहता है आप जो है गवाह बन जाइए आप विटनेस के तौर पर साइन कर दीजिए और आपको मालूम नहीं आप जाके साइन कर देते हैं अल्लाह के नबी सफा व शाहिदही उसकी गवाही देने वालों पर विटनेस का विटनस बनने वालों पर आपने फरमाया उनके ऊपर भी अल्लाह की लानत है हम सवा और नबी ने फरमाया कि सब बराबर हैं वो जो करोड़ों रुपए का लोन लिया है लाखों रुपए का लोन लिया है जितना गुनहगार है आप दस्खत करके विटनेस बन करके आप भी बराबर के गुनहगार हैं बात समझ में आ रही है तोबा कर लें गुनाह के काम में किसी का ताउन न करें तो इस तरीके से ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह तबार को ने लानत की है मला लोग हैं ग्यारहवा शख्स जिसके ऊपर लानत है और जो अल्लाह की रहमतों से महरूम है चोरी करना चोरी ये किसी भी मजहब में जायज नहीं है किसी भी धर्म में जायज नहीं है लेकिन इस्लाम ने चोरी के चोरी की कबाहत और उसकी शनात और उसकी बुराई पर जो खदगन लगाया है और उसको कंट्रोल करने के लिए जो हुक्म नाफिस किया है वो किसी दूसरे मज़हब में नहीं है इस्लाम में है कि अगर कोई आदमी चोरी करता है तो उसका हाथ काट लो अगर जुर्म साबित हो जाए अल्लाह के वसल्लम के ज़माने में चोरी करने वालों के हाथ काटे गए चोरी करने वालियों के भी हाथ काटे गए तो चोरी करना गुनाह है लेकिन चोरी का सबब बनना या मर्द हो या औरत वो चोरी करता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसका हाथ काटा जाए कुरान मजीद में अल्लाह तबारक तआला ने भी यही हुक्म दिया असारी को सारी आइदियाहुमा। चोरी करने वाला मर्द हो या औरत अगर उसकी चोरी साबित हो जाए उसका जुर्म साबित हो जाए तो उसका हाथ काट लिया जाएगा तो चोरी करना भी लानत का सबब है हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला नो हदीस के रावी हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ने फरमाया लअन अल्लाहु सारिका अल्लाह की लानत है चोरी करने वाले पर यसरीकुल बैजता फतुक्तउ यदुहु वो एक अंडा चोरी करता है और उसका हाथ काट दिया जाता है बहुत सारे लोग समझते हैं क्या बहुत बड़ी चीज चोरी कर लिया क्या ऐसा ऐसा बता रहे हैं नबी की हदीस देखिए बुखारी मुस्लिम की हदीस है प्यारे नबी ने फरमाया, फरमायास रिकुलबाई जाता, वो एक अंडा चोरी करता है फतु उसका हाथ काट लिया जाता है एक अंडा चोरी करने की वजह से उसका हाथ काट लिया जाता बड़ा डाकू जो गुजरा है उसने पहले क्या अंडा ही चोरी किया था उसके बाद मुर्गी चोरी किया उसके बाद बकरी चोरी किया चोरी करते करते इंसान जरी हो जाता है फिर एक दिन वो पक्का चोर बन जाता है इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की लानत है लानल्लासारी का यशरीबतुकता लानत है एक चोर पर अंडा चोरी करता है हाथ काट लिया जाता है उसके बाद फिर चोरी करता है फतुकताओ या हाथ काट लिया जा रिकब अला फतुकताओ या दो फिर वो एक, चो, एक रस्सी चोरी करता है और उसका भी हाथ काट लिया जाता है एक हाथ अंडा चोरी करने की वजह से चला गया दूसरा हाथ रस्सी चोरी करने की वजह से चला गया बकरी नहीं चुराया था मुर्गी नहीं चुराया था मुर्गी का अंडा चुराया था हाथ काट लिया गया बकरी नहीं चुराया था रस्सी चुराया था हाथ काट लिया गया कोई भी गुनाह मामूली नहीं है आज बहुत सारे लोग गुनाह इसलिए करते हैं कहते हैं ये छोटा गुनाह है अल्लाह माफ कर देगा देखिए अल्लाह के नबी ने फरमाया अंडा चोरी किया हाथ काट लिया गया रस्सी चोरी किया दूसरा हाथ काट लिया गया ऐसा शख्स मलाउन है सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है इसी तरीके से मर्द जन का एक दूसरे से मुशाबहत करना औरत जो है मर्द की तरह बनती है मर्द जो है वो औरत की तरह बनता है ऐसा मर्द जो औरतों की शक्लो सूरत को अख्तियार करे उनके लिबास को अख्तियार करे उनके चाल ढाल को अख्तियार करे उनके तौर तरीक़े को अख्तियार करे उनके अंदाज गुफ्तगु को अख्तियार करे ऐसा मर्द मल है वह रब की रहमत से महरूम है ऐसी औरत जो मर्दाना चाल चलती है जो मर्दों वाले कपड़े पहनती है जो मर्दों जैसी गुफ्तगू करती है जो मर्दों जैसे चाल ढाल कर अपनाती है अल्लाह के नबी फरमाया, ऐसी औरत मन है बहुत कम बचेंगे जो रहमत पाने वाले होंशरे की असलाह यहीं से होती है हर आदमी को चाहिए कि अपने आप में गौर करे मर्द हजरा भी अपने आप में गौर करें औरतें भी अपने आप में ग़ौर करें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे अमल की वजह से हम मून होते जा रहे हैं हज़रब्दुल्लबिनी नो हदीस के रबी हैं सही बुखारी की हदीस है लाना रसूल सलमुबी अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई है उस मर्द पर जो औरतों की मुशाबहत अख्तियार करता है औरतों की शक्ल अख्तियार करता है अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो बहुत सारे लोग समझ जाएंगे लेकिन माशाल्लाह आप लोग होशियार हैं कौन लोग औरतों की शक्ल अपनाते हैं आप सोच सकते हैं मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको समझ अता फरमाए कौन लोग औरतों की शक्ल अख्तियार करते हैं औरतों की शक्ल अख्तियार करने वाला मलून है इसी तरीके से अल्लाह के नबी ने फरमाया वल मुतब बिहा और वो औरतें जो मर्दों की शक्ल सूरत अख्तियार करती हैं औरतों ने चोटी कटवाई और छोटे बाल रखना शुरू कर दिया मर्दों ने हिप्पी रखना शुरू कर दिया मर्द रंगीन कपड़े पहनने लगे औरतों के जैसे औरतें छोटे कपड़े पहनने लगी सूरत में एक दूसरे को अख्तियार करना लिबास में एक दूसरे को अख्तियार करना चाल ढाल में एक दूसरे को अख्तियार करना मेरे भाइयों याद आदमी करता क्यों है मर्द औरतों की चाल ढाल को क्यों अपनाता है औरत मर्दों की चाल ढाल को क्यों अपनाती है इसके अंदर एक बड़ी बारीकी है मर्द की निगाह में औरत हसीन और खूबसूरत है इसलिए मर्द जो है अपने आप को औरतों की शक्लो सूरत उनका लिबास अपनाना शुरू कर देता है ताकि वो भी हसीन और खूबसूरत हो जाए लेकिन निजाम देखिए औरत की निगाह में मर्द खूबसूरत है मर्द बहादुर है इसलिए औरतें मर्दों के जैसी चाल ढाल अपनाती हैं जींस पहनती हैं टी शर्ट पहनती हैं जिम जाती हैं लोगों को दिखाती हैं कि मैं पहलवान हूँ मैं बहादुर हूँ मेरे भाइयों आप गौर करें आप जिसकी शक्ल-सूरत को अपनाते हैं या माएँ और बहनें जिसकी शक्लो सूरत को अपनाती हैं ये लानत का सबब बनता है अल्लाह ताला ने मर्दों को बहादुर बनाया है अल्लाह ने औरतों को नाजुक अंदाम बनाया दोनों की जिन्स अलग अलग है मर्द जो है उसका काम अलग है औरत जो है उसका काम अलग है मर्द की मर्दानगी चली गई तो वह नामर्द हो जाता है और औरत की निस्वानियत चली गई तो वो औरत नहीं रह जाती है इसलिए हमें चाहिए कि चाल ढाल में शक्लो सूरत में लिबास में तौर तरीके में अंदाजे गुफ्तु में मर्द अपनी मर्दानगी को बाकी रखें औरत अपनी निस्वानियत को बाकी रखें और लानत का सबब मत बनाए इसी तरीके से सही बुखारी की एक और हदीस है नबी ने लानत फरमाई है मर्दों में जो मुखनस हैं अल्लाह के नबी ससरम ने उनके ऊपर लानत फरमाई है वलम तरजना तुनसा वलम तरजना तो मिनसा और उन औरतों पर जो मर्दों की शक्ल सूरत अख्तियार करती हैं इसी तरीके से उन मर्दों पर जो औरतों की शक्ल सूरत अख्तियार करते हैं वकाल आखिर अल्लाह के नबी ने फरमाया इन मुखन्नसों को इन हिजड़ों को अपने घरों से दूर रखो क्यों होते मर्द हैं लेकिन औरतों की शक्ल में आते हैं बेहयाई इस कदर होती है कि वो आपके घर को इज्जत को नीलाम कर देते हैं इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मुखनसिन से दूर रहने का हुक्म दिया आपने फरमाया कि ये मून है ये बेहया हैं ये बेशरम हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी एक शख्स था मुखनस था मर्दों में से था लेकिन वह औरतों की शक्ल सूरत अख्तियार करता था उनके लिबास पहनता था वो घरों में पहुंच जाता था एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि वो ऐसी बात कह रहा है जो नहीं कहना चाहिए कहा कल एक जंग होगी उस जंग में अगर तुम्हें फलां की बेटी मिल जाए तो तुम उसे ज़रूर ले लेना क्यों वो बड़ी हसीन खूबसूरत है आती है तो आठ के साथ आती है तो चार के साथ जाती है तो आठ के साथ अल्लाह के नबी वसल्लम ने सुना कि इस तरह की बात कर रहा है प्यारे नबी ने फरमाया आज से ये हमारे घरों में दाखिल ना हो तो ये मुखन्सिन जो होते हैं ये हिजड़े जो होते हैं इनके ऊपर अल्लाह की लानत होती है क्यों इसलिए कि ये बेहया होते हैं बेशरम होते हैं और इंसानों को बेहया और बेशरम बना देते हैं इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी शक्ल सूरत अख्तियार करने से मना किया उनको अपने घरों से दूर करने का हुक्म दिया इसी तरीके से एक और हदीस है इस सिलसिले में जो अबू दाऊद की है लाना अलैहि वसल्लम आपने एक हदीस में फरमाया लानल्लाजुल अल्लाह की लानत है उस मर्द पर यल बिसल मर अती जो औरतों के लिबास पहनता है वो मर्द जो औरतों के लिबास पहनता है उसके ऊपर अल्लाह की लानत है वलमर अतु तल बसु लिब सतल रजुली और उस औरत पर भी लानत है जो मर्द का लिबास पहनती है आज लिबास में भी कोई फ़र्क नहीं रह गया मर्दों का लिबास ने अलग बनाया औरतों का लिबास अलग बनाया मर्द अगर औरतों का लिबास पहनने लगे औरत अगर मर्दों का लिबास पहनने लगे तो मर्द और औरत के दरमियान जो तमीज़ होती है जो इम्तियाज़ होता है वो ख़त्म हो जाता है इसी तरीके से तेरावा काम तेरावा अमल जो लानत का सबब बनता है हलला करना या करवाना इस पर भी इससे पहले गुफ्तगु हो चुकी है आज मुसलमानों का हाल ये ये किसी गैर कौम की बात नहीं हो रही ये सब बुराइयाँ मुसलमानों में पाई जा रही है। हलाला करना हलाला करवाना एक आदमी जोश में आता है अपनी बीवी को तीन तलाक दे देता है उसके बाद उसे होश आता है जोश में तो तीन तलाक दे दिया अब होश में आया तो कहता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई उसके बाद लोग कहते हैं अब तो तुमने तीन तलाक दे दी है अब वो अपने आलिम के पास जाता है मुफ्ती के पास जाता है कहता हमले साहब लेकिन मैंने गुस्से में दिया था मैंने गुस्से तलाक आदमी गुस्से में ही देता है कोई प्यार से तलाक नहीं देता कोई मोहब्बत में तलाक नहीं देता जब भी तलाक देता है गुस्से में ही देता फिर अपने मुफ्ती के पास जाता है अपने इमाम के पास जाता है कहता है मैंने अपनी बीवी को तीन तलाक दे दी मैं बहुत गुस्से में था अब मुफ्ती साहब क्या कहते हैं नहीं तुम्हारी तलाक वाक हो गई है क्यों इसलिए कि हम इमाम अबू हनीफा रही के मानने वाले हैं और जो इमाम अबू हनीफा के मानने वाले हैं उनके यहां अगर तीन तलाक एक बार दे दी जाए तो तलाक वाक हो जाती है इसलिए तुम्हारी बीवी अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती है अब ये बेचारा मोहब्बत में बीवी को छोड़ना नहीं चाहता है बीवी भी इससे अलग नहीं होना चाहती है कहता मुफ्ती साहब कोई रास्ता बताओ तो क्या कहता है हलाला करवा लो हलाला करवा लो एक आदमी के साथ अपनी बीवी की शादी कर दो वो एक रात उस आदमी के साथ रहेगी उसके बाद सुबह में फिर वो तलाक दे देगा फिर उसकी इद्दत गुजरेगी तो तुम शादी कर लेना कहां मुसलमानों की अकल मर गई शरीयत की बात छोड़िए एक 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 अकलमंद आदमी एक दानिशमंद आदमी एक गैरतमंद आदमी क्या इस बात को सही कह सकता है कि एक रात के लिए एक घंटे के लिए एक दिन के लिए उसकी बीवी से कोई दूसरी शादी कर ले और मकसद ये हो कि कल निकाह आज निकाह है कल तलाक दे देगा क्या ऐसा जायज हो सकता है अक्ल क्या कहती है मुसलमानों तकलीद ने तुम्हारे अकलों पर पर्दे डाल दिए इंसान के दिमाग में भेजा नहीं पत्थर हो गया है कहाँ जा रहे हो हम इतने पाकिजा मजहब को मानने वाले हम इतने पाकिजा मजहब पर अमल करने वाले हमारे यहां यह घिनाउनी काम हो यह कैसे आप बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन अफसोस अफसोस है बड़े बड़े शहरों में बाकायदा हलाल सेंटर कायम किए गए हैं और लोग अपनी बीवी को दोबारा अपनाने के लिए उनके साथ शादी करते हैं फिर तलाक देते हैं फिर वो हलाला ये ऐसा होता है मेरे भाइयों शरीयत का कानून क्या है एक आदमी ने अपनी बीवी को गुस्से में तीन तलाक दे दिया प्यार से तीन तलाक दे दिया तीन तलाक दे दिया एक तलाक वाकई हो जाएगी अब उसको अख्तियार है तीन महीने के अंदर वो रजू कर ले जो उसकी इद्दत है अल्लाह के नबी वसल्लम ने फरमाया वो रुझू कर सकता है इसमें कोई हरज नहीं सही मसला बताने में क्या हरज है लेकिन ये मुफ्ती लोग ये साहेब जुब्बो दस्तार अपनी दुकान चमकाने के लिए अपनी मसलक की गैरत को बचाने के लिए नबीम की हदीसें लोगों को नहीं बताते हैं। अगर नबी की हदीसें बताई जाएं, सारे लोग अहले हदीस हो जाएंगे और मेरे भाइयों आज जो अहिल हदीसों की तादाद बढ़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह यही है कि हम नबी की सही हदीसें लोगों को बताते हम अपनी बात नहीं करते ये मिंबर इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि इंसान अपना अप, अपने आप को चमकाने के लिए इस मिंबर का इस्तेमाल करे नबी की हदीसों को अमानत दारी के साथ लोगों तक पहुंचाना लोगों की इसलाह करना हाँ जब उनके घरों में कोई मामला होता है उनके घरों में हलाला की नौबत आती है तो बाकायदा हमारे पास फोन करते हैं भेजते हैं जाओ फला जगह पर उनको मेरा नाम बताना और बताना कि मैंने भेजा है मेरे भाइयों, वो आते हैं उनके आने से पहले उनका फोन आ जाता है कि मैं एक आदमी को भेजा हूं शेख वो अहल हदीसियत की तरफ मायल है जो सही मसला है वो बता दीजिए मेरे भाइयों मेरे भाइयों अक्ल से काम लो होश से काम लो कहा जा रही है कहाँ जा रही है ये मुस्लिम मोहम्मद अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला वल ला वलमोहल्लाहू अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है उस शख्स पर जो हलाला करता है वल वलमोहल्लाहू और उस शख्स पर भी अल्लाह की लानत है जिसके लिए हलाला किया जाता है मेरे भाइयों आपके सामने आपकी बीवी की इज्जत लुट रही है शरीयत के नाम पर अल्लाह अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए ऐसे लोग दयूस होते हैं जो अपने घर में अपनी बहन बेटियों में बेहयाई को देखें और उसको उसको मना ना कर सकें उसको बर्दाश्त करें ये दयूस हैं दयूस क्यामत के दिन भी रहमत इलाही से महरूम रहेगा मेरे भाइयों दयूस मत बनो गैरतमंद बनो नबी की हदीसों का मुताला करो जज्बात में मत आओ जोश में मत आओ ऐसा कोई काम मत करो कि बाद में पछताना पड़े तो मेरे भाइयों हलाला करने वालों पर हलाला करवाने वालों पर अल्लाह तबार व तआला की लानत है इसी तरीके से सहाबे क़िराम को बुरा भला कहना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाद में आने वाले अपने आप को ज्यादा अकलमंद समझेंगे और पिछले जो गुजरे हुए लोग हैं अपने असलाफ को बुरा भला कहेंगे अपने बड़ों को बुरा भला कहने की इजाज़त नहीं है चे जाए कि वो साहब कराम हो सहबे कराम की कुर्बानियाँ, सहबे कराम के जो कारनामे हैं उनको कोई भुला सकता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीक को आगे बढ़ाने में साहब कराम ने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो हम और आप कभी नहीं दे सकते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया बाद में आने वाला यानी हमारे दौर में कयामत तक भी बाद में आने वाला उहुद पहाड़ के बराबर उहुद पहाड़ कितने किलोमीटर में फैला हुआ है आप कुछ मालूम है उहुद पहाड़ के बराबर कोई शख्स अगर अल्लाह के रास्ते में सोना दे दे वो सहाबे किराम के मकाम को नहीं पहुंच सकता है साहब किराम ने एक मुट्ठी एक मुट्ठी दो मुट्ठी जो जव दिया है एक मुट्ठी दो मुट्ठी जो गल्ला दिया है साहब कराम को उतना सवाब मिलेगा आप उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्चा कर दें आप वो सवाब नहीं पा सकते हैं साहब इकराम की कुर्बानियां ये है अल्लाह के नबी वसल्लम की जुबान से जो जुमला निकलता था अभी पूरा नहीं हुआ है कि साहब अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार रहते थे उन्हीं किराम की कुर्बानियों का नतीजा है कि आज हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं मेरे भाइयों कोई भी तहरीक लेकर के एक आदमी उठता है लेकिन उस तहरीक को जिंदा करने के लिए उसको आगे बढ़ाने के लिए उसके अंदर रूह फूकने के लिए जान पैदा करने के लिए उसके बहुत सारे साथी होते हैं यकीनन ये बात सही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं लेकिन आपके ऊपर ईमान लाने के बाद सहाबा ने जो आपका सपोर्ट किया सहाबा ने जो आपकी इज्जत की और इस तहरीक को आगे बढ़ाने में साहब कराम ने जो कुर्बानियाँ दी वो क़यामत तक भुलाया नहीं जा सकता एक आदमी जिंदगी भर फ़राइज के अलावा तहजद का भी एहतमाम करता रहे लेकिन एक सहाबी ने नबी के पीछे एक वक्त की जो नमाज पढ़ ली है ना वो एक वक्त की नमाज के बराबर का सवाब कभी नहीं हासिल कर पाएगा लेकिन मेरे भाइयों बाद में आने वालों ने साहब राम को बुरा भला कहना शुरू कर दिया और इस्लाम को दो हिस्सों में तकसीम किया उसके बाद कई हिस्सों में तकसीम हुई इस्लाम को पहले दो हिस्सों में तकसीम किया गया शिया और सुन्नी और आमतौर पर गवर्नमेंट के कागजात में दो ही मुसलमान हैं एक शिया है एक सुन्नी है शिया वही है जो जिनको हम राफिजी कहते हैं जो नाम तो लेते हैं अहले बैत की मोहब्बत का लेकिन साहब कर राम को गालियां देते हैं नउूजब्ला तो यहां पहले इस्लाम को दो गिरोहों में तकसीम किया गया शिया और सुन्नी अब हम सब लोग सुन्नी में हैं फिर सुन्नी में कई लोग तैयार हुए देवबंदी अलग है बरेलवी अलग है इसी तरीके से हम हनफी अलग हमबली अलग है शाफ़ई अलग है अब तो देवबंदी में तबलीगी भी अलग है देवबंदी अलग है तबलीगी अलग है आपको मालूम है तबलीगी देवबंदी को नहीं होता देवबंदी तबलीगी को नहीं होता कितने गिरोह बने एक चीज़ जब फूट जाती है एक चीज़ जब बिखर जाती है तो वो कितने टुकड़ों में बटेगी उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते तो पहले इस्लाम दो हिस्सों में तकसीम हुआ शिया और सुन्नी फिर सुन्नियों में कितने फिरके निकले और आप खुश ना हो कि शियो में नहीं है उनमें भी बहुत सारे फिरके हैं हम उनको शिया जानते हैं ना लेकिन उसमें भी कितने फिरके हैं ये लोग साहब इक्राम को गालियां देते हैं और आपको मालूम होना चाहिए सुन्नी कहने वाला अपने आप को बड़े बड़े इदारों से फारिग होने वाला जिन्होंने साहब इक्राम की तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी मेहनतें की लेकिन अल्लाह तबारा को तला जब जिसको चाहे गुमराह कर दे जब जिसको चाहे हिदायत पे ले आए ऐसे बहुत सारे मौलाना और बहुत सारे वलमा हैं जो हमेशा सुन्नियत की तहरीक को आगे बढ़ाने वाले थे आज वो शेयत की राफजियत की गोद में जाकर बैठ गए हैं मालूम है आपको वो राफजियत की गोद में बैठ गए हैं है, है तो मेरे माविया रजी अल्लाह तहों पर इल्ज़ाम लगाते हैं यकीन है, है तेबू बकरीक रज़ी अल्लाह तहो पर इल्ज़ाम लगाना ये बहुत बड़ा गुना है लेकिन किसी दूसरे साहबी पर छोटे साहबी पर भी इल्जाम लगाना मामूली बात नहीं है, है तो मेरे माविया रजियाल्ला तो वो साहबी हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती थी तो वही को लिखते थे और अगर आप है तो अमीर मुआविया रजी अल्लाह तु के ऊपर उंगली उठाएंगे इसलिए कि उनके उन, उनके दरमियान और हैत अली के दरमियान जंग हुई थी तो फिर बात यही नहीं रुकेगी जंग सिफिन में एक तरफ हैत अली थे दूसरे तरफ हैत अमीर मुआविया थे तो और आगे चलिए जंग जुमल में एक तरफ हैत आयशा थी दूसरी तरफ हैत अली थे अल्लाह आप किसके किसके ऊपर इल्जाम लगाएंगे मुसलमानों ये अम्बिया कराम के ये हमारे नबी के वो सहाबा थे जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की उनसे जो गलतियाँ हुई अल्लाह उनको माफ करेगा हमारी ये मामूली जुबान हम साहब कराम के दरमियान फैसला करें कि कौन सही था कौन गलत था हमारे लिए ये जेवा नहीं देता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुनन तबरानी की हदीस है अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अब्दुल्लाबिन और तैनी के रबी हैं नबी ने फरमाया मन मनसबा साहबी जो मेरे सहाबा को गाली देता है लानतुल्लाह उसके ऊपर अल्लाह की लानत है वल मलाइकाति फ़रिश्तों की लानत है व न सियाजमाइन और तमाम इंसानों की लानत है मेरे भाइयों एक मामूली सहाबा को गाली देना कोई भी सहाबा हमारी निगाह में मामूली नहीं है लोगों ने हेते अमीर माविया को बुरा भला कहा उन्होंने बकर उमर रजी अल्लाह रजिया को बुरा भला कहा और बात यही नहीं रुकी हजरत आयशा के पास आई यहां तक कि लोगों ने हेते अबू हुरैरा रजी अल्लाह तला को भी बुरा भला कहा, कहा? सरकारी और दरबारी अकबर सरकारी मुसलमान और दरबारी मुसलमान आप किसके बारे में ये कह रहे हैं उन उनबे के नाम के बारे में कह रहे हैं जिनके बारे में अल्लाह ने कुरानी मजीद में सर्टिफिकेट नाजिल की फरमा रजी अल्लाह वो रजुआन से राजी हो चुके हैं अल्लाह इनसे राजी हो चुका है रजी अल्लाह वह रजुआन ये अल्लाह से राजी हो चुके हैं अल्लाह इनसे राजी हो चुका है इनसे जो गलतियां की हैं अल्लाह सबको माफ करेगा सारे के सारे सहाबा जन्नति हैं अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आलमीन हमें सहाबे क़िराम की तक़रीम और उनकी इज्जत करने की तौफीक इनायत फरमाए वो काम जो लालत का सबब बनते हैं अल्लाह तबारक हमें उन कामों से अपने आप को बचाने की महफूज रखने की अल्लाह हम सब को तोफ़ी नायत फ़रमाए अल्लाह जब तक दुनिया में रखे इस्लाम पर क़ायम रखे ख़ात्मा हो तो ईमान बिल बिलखैर पर हो रबना तकब्बल मन्ना इन न का अंत समीम व तुबलैना का अंत तो रहीम का या अरहमर नामी الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الهديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل ذَلَالَةٍ في النار فأعوذ بالله السميل الاليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغض يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يَسْتَجِبْ لكم ولذكر الله أكبر وأقيم الصلاة